देखिए मम्मी ने आज बना दी है ये जबरदस्त रेसिपी, शिवरात्रि स्पेशल है और मम्मी ने बनाई है श्वेता के लिए यहाँ पर। हैप्पी शिवरात्रि, शिवरात्रि आप अच्छे से सेलिब्रेट करें, इसलिए मम्मी आज लेके आई है ये जबरदस्त रेसिपी। और आज तो विमेन्स डे भी है, राइट मम्मी? तो जायका का तड़का में आप सब मॉम्स के लिए, सब विमेन जो देख रही हैं उनके लिए मम्मी बना रही है इंस्टेंट गाजर का हलवा। बहुत ईजी है ये रेसिपी, तो मम्मी स्टार्ट करें। बिल्कुल, देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, तो ये झटपट कैसे बनता है मम्मी आप बताएंगी। यहाँ पर ये मैंने गाजर लिए, इसको वॉश करके और ये ग्रेट कर लिया है। अच्छे से वॉश करना है क्योंकि गाजर में मिट्टी आती है। तो ये देखिए ये ग्रेट कर लिया मैंने। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने हाफ के जी गाजर लिए। अच्छा, तो इधर मैंने यहाँ पर तो हाफ के जी गाजर को क्या कर रहे हैं मम्मी? मैंने इसमें 2 टेबल स्पून घी डाला है और उसमें गाजर डाल दी, उसको रोस्ट कर रही हूँ मैं। अच्छा, ये 5 से 7 मिनट अपने को रोस्ट करनी है। तो कलर चेंज हो जाता है, कलर देखिए आप इतना चेंज हो गया। ये देखिए, ये तो कच्ची गाजर है और ये कलर चेंज आ गया, मतलब गाजर गल भी गई है और शाइन भी आ गई है और कलर भी चेंज हो गया। हाँ, तो ये देखिए 5 से 7 मिनट स्लो फ्लेम पे आपको चलाते रहना है, नहीं तो नीचे लग जाएगा क्योंकि सिर्फ 2 चम्मच घी मम्मी ने डाला है। हाँ। और फिर क्या करना है मम्मी? मैंने ये जितनी हाफ के जी गाजर थी तो हाफ के जी मैंने दूध लिया है, फुल फैट मिल्क लिया है क्योंकि इसमें अच्छा लगे फुल फैट। उसको मैंने थोड़ा गाढ़ा ठीक करने के लिए रख दिया है, मतलब हाफ कर लो उसकी क्वांटिटी। और मम्मी जो साइड में आता है इसको निकाल लो, इसको निकाल लो आपकी कुर्चन को निकाल लो, और मावे वाला टेस्ट आएगा आपको। हाँ, तो देखिए मावे वाला टेस्ट आएगा। तो ये आधा तो हाफ के जी को कौन नहीं, हाफ के जी को मम्मी कितना कर लिया हमने? हाफ क्वांटिटी कर दो, धीरे धीरे होता रहेगा, चढ़ा दो आप, ये टेस्ट अच्छा करना है। तो अब मैं इसको गैस बंद कर दूंगी उसकी, ये अपना हो गया है, ये ठीक हो गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी, तो ये देखिए यहाँ पर अब गाजर का हलवा बन रहा है। हाय रीमा जी, हाय माया जी, पूनम जी, सौरभ जी, गुड टू सी आभा जी, शिवानी जी। हमारे यहाँ ना शिवरात्रि पे गाजर का हलवा बनना मैंडेटरी है। अब इसको चलाते रहना है मम्मी। ये बस ये देखिए अब ये चला रही हूँ मैं, ये फटाफट बनता है ये हलवा। हाँ, नहीं तो नॉर्मली कहते हैं ना कि गाजर का हलवा बहुत टाइम लेता है। अच्छा, इस चक्कर में हम हलवा ही नहीं बनाते हैं। और ये फटाफट बनता है। तो मम्मी आपकी रेसिपी फॉलो कर लो तो फिर छोड़ती है, शाइन भी और टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है घी डालने से। तो ये देखिए इंस्टेंट गाजर का हलवा यहाँ बना रहे हैं। कहाँ कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। वी वुड लव टू हेयर फॉर यू फ्रॉम यू। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। और ये देखिए अब इसको कितनी देर चलाना है। बस हो गया ना, आपने देखो ठीक हो गया, बिल्कुल मावे वाला। अच्छा, इंस्टेंट है, 2 कढ़ाई में बनाओ और फिर हो जाएगा। इधर गाजर होने दो, इधर इससे ये होने दो, दूध होने दो। हाँ, बिल्कुल। अब इसमें शुगर आप जितनी खाना चाहेंगे उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। आपने कितनी डाली है? मैं हाफ बॉल लिए मैंने। हाँ हाँ, आप ज्यादा खाएं तो ज्यादा डालें, कम जो खाते हैं कम भी डाल सकते हैं। वैसे दूध का भी स्वीटनेस आ जाएगा, जिनको डायबिटीज है आप बिना शुगर का भी खा सकते हैं क्योंकि उसका मावा बन गया है दूध का, वो भी स्वीट हो जाता है। तो देखिए है ना कितना इंस्टेंट, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इतनी आसानी से बन जाए। बस गाजर को अच्छे से धोके ग्रेट करो, 5 से 7 मिनट 2 चम्मच घी में हमने हाफ के जी गाजर को रोस्ट कराए। और फिर हमने यहाँ पे 250 ग्राम लिए, 250 ग्राम का ऑलरेडी बना दिया है तो आप देख सकते हैं। तो राइट, तो हाफ के जी में आपको हाफ के जी मिल्क लेना है 1:1 के रेशियो में। दूध को आधा कर देना है, मावे की टेक्सचर का हो जाएगा वो तब तक, क्योंकि कुर्चन आती रहती है साइड में, उसको मिक्स करिए। अब क्या करना है? अब मैं इसमें थोड़ा सा ये ठीक हो जाए अपना इसमें, क्योंकि तो जब तक शुगर में पानी छोड़ दिया, शुगर डाली है ना इसमें, तो आज पानी छोड़। मम्मी आज विमेंस डे पे आप दोनों यहाँ पर रेडी हो, राइट? तो विमेंस डे पे कुछ तो अच्छा हमें बोलना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं जायका का तड़का में ना ये स्टोरी मम्मी से ही स्टार्ट हुई है। तो मम्मी विमेंस डे पे तो आज आपका भी वीडियो स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आपकी स्टोरी से पता चलता है कि गाजर का है। श्वेता मिक्स करेगी मम्मी, आप बोलो, श्वेता काम करेगी यहाँ पर, देखो कर रही है वो कितने अच्छे से। वैसे श्वेता को मजा भी आएगा आपके लिए गाजर का है ना, श्वेता का हंसमुख चेहरे का हाथ लग जाएगा तो डबल बोनांजा हो जाएगा मम्मी और श्वेता। आप सोचिए मम्मी और श्वेता का हाथ लग गया तो खाना कितना डबल टेस्टी हो जाएगा, मुझे लगता है, बिल्कुल है ना। गाजर का बस वैसे टेस्टी होता है। हाँ, तो हाथ लग गया श्वेता के तो उसके तो क्या कहने। नहीं नहीं, मम्मी और श्वेता दोनों के हाथ लग गए, मैं तो ये बोल रही हूँ, राइट श्वेता? यस, है ना।
दोनों के सब माँ ऐसे ही बनाती है, सब माँ ऐसे ही बना, सबके हाथ में टेस्ट होता है। यस बिल्कुल, आई कम्प्लीटली अग्री, ऑल मॉम्स आर वेरी स्पेशल। मलाई भी डाल देती हूँ। हाँ हाँ, हलवे में जितने मतलब ये ऐसी चीजें जाए। और आपको बताया अभी हमने खाया नहीं है, प्रसाद चढ़ेगा पहले, भोग लगेगा हमारे, और फिर उसके बाद ये कार्डमम पाउडर, और फिर उसके बाद यहाँ पे गाजर का हलवा सबको मिलेगा। तो पहले भोग लगना जरूरी है। मम्मी आज वुमेन्स डे पे जितने लोग देख रहे हैं आप उनके लिए एक स्पेशल मैसेज, बिकॉज जायका का तड़का आज आपकी वजह से ही स्टार्ट हुआ है, राइट? आपकी स्टोरी से ही वो आइडिया आया था कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म हम बना सकते हैं जहाँ जो मॉम्स है, जो नॉर्मल मॉम्स है, कोई सेलिब्रिटी मॉम्स नहीं है, हम सब मॉम्स नॉर्मल जो हैं वहां पे, वो आके अपनी रेसिपी को शोकेस करती है, हजारों लोग लाइक करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि जो मॉम्स होती है ना उनको कभी अप्रिसिएशन 90% नहीं मिलता, 99% नहीं मिलता, राइट? सब बोलते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी उसकी गलती हूँ, चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, वही सेम रेसिपी बना दी, थोड़ा तो ये बना देते। तो आज इतनी सारी मॉम्स को मौका मिला, तो आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, वो यही है कि इनका जो टैलेंट था वो जायके के तड़के में आकर एक्सपोज हुआ है, तो उनको बहुत खुशी मिल रही है, तो उनको खुशी मिल रही है, हमको भी उनको देखकर खुश हो रहे हैं। और आपकी जर्नी और आपकी जर्नी आप हमेशा बोलते हो एज इज जस्ट अ नंबर, अगर ठान लो तो सबको सारी पावर अपने अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। हाँ। आप उस पावर को निकालिए, आप सब बहुत पावरफुल है, आप सब कुछ कर सकते हो। हाँ। आपके हाथ में ये सब कुछ, औरों के सामने वालों के किसी के हाथ में कुछ नहीं है। हाँ। सब कुछ कर सकते हो, जो ठानोगे वो होगा। करिए दिल से और सच्चे मन से, दिल से और सच्चे मन से करेंगे ना तो भगवान भी साथ देते हैं, भगवान भी साथ देगा। हाँ। डाउट मत करिए और ना किसी को ब्लेम करिए आप। हाँ हाँ, बिल्कुल सच्चे दिल तो आपका हर काम पूरा होगा। आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप जायके के तड़के में आ रहे हैं, आप इतने स्ट्रांग बना, आप लोग देख कर हम ही स्ट्रांग बन गए। हाँ, और मैं कह रही हूँ कि आप ही देखिए, मम्मी श्वेता और इतनी सारी और मॉम्स देखते हैं ना, तो आप भी आएंगे जायका का तड़का में, आप बुलाएंगे ना हमें, आप आ सकते हैं, आपकी तरह ही ये सब मॉम्स होती हैं, तो अगर ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं, ये गारंटी है, तो जरूर करिएगा। बनिया रेडी, चलो मम्मी ऐसा आप लगा देते हैं, हम क्यों बोलते हैं जो दिखता है, अभी तीनों बोलेंगे हम, ये साइड में रख देते हैं, है ना मम्मी? देखो ये लाइव वीडियो में बनाया, देखो आपको ये एडिटिंग नहीं दिखेगी, जायका का तड़का में आपको स्टार्टिंग मैंने ये दिखाया था और ये लाइव वीडियो में बनाया, आप दोनों में देख लीजिए क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, जो सेम है, अभी ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये वैसा दिखेगा, और देखिए आप सेम हम दिखाते हैं, इसीलिए हम आप बोलते हैं कि जायका का तड़का में, मम्मी बोले जो दिखता है बन रहा है जायका का तड़का में। एंड श्वेता आप भी एक दो लाइन बोलो, बोलना चाहिए भाई। ऑल्सो फील एवरी वुमन इज वेरी कॉन्फिडेंट, पर वो कहीं ना कहीं कई बार दब जाता है, तो आप भी ऐसे जैसे इसी इवन आई एम अ नॉर्मल हाउसवाइफ, बट आफ्टर डूइंग सो मच आई कैन सी द कॉन्फिडेंस लेवल इज रियली गॉन अप, सो एवरी वुमन कैन डू इट। सो आई फील इन ऑन द वुमेन्स डे आई फील विश ऑल द वुमेन एंड आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू कम अप विद अ फुल कॉन्फिडेंस, वो जहां भी छुपा है उस आप बाहर लाइए और आप जो ठानो वो कर सकते हैं। हाँ, और मैं कहूंगी हाउस वाइफ नहीं, होम मेकर, होम मेकर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो घर में मॉम होती है ना वो पूरे घर को बनाती है, वो बच्चों के संग रहती है, हस्बैंड के संग रहती है, इन लॉज के संग रहती है, पेरेंट्स के संग रहती है, डिफरेंट रोल, तो होम मेकर ज्यादा, सारे तो यू आर अ होम मेकर, एवरी वन हु इज वॉचिंग इज अ होम मेकर, इवन जो वर्किंग मॉम्स हैं वो भी होम मेकर हैं, क्योंकि वो भी घर को बांध कर रखते हैं। तो सारे होम मेकर्स को हम यहाँ पर आज बोलते हैं हैप्पी वुमेन्स डे, यू ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा खाना बनाइए, खाना बाइंड करेगा, अपने सपनों पे विश्वास करिए, खुद पे विश्वास करिए और आगे बढ़िए। और हम बता रहे हैं, हमें देखकर ये हम बता रहे हैं, अगर एक मॉम कर सकती है ना तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि सब मॉम्स बहुत स्पेशल होती हैं, बहुत बहुत ज्यादा। तो जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, और जायका का तड़का जरूर आएगा आपके घर में एक दिन, बुलाएंगे ना आप हमें, यही मैं आपसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाय बाय एवरीवन।